सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषियों के अलोप का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तऋषियों के आश्रम का वर्णन करूँगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, क्रंतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रतरदन, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उष्णा, भरद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगंधी, तृणाम्बु, शबल, धौम्य, शतानंद, अकृतव्रण, जमदग्नि कुमार, परशुराम, अष्टक तथा कृष्ण द्वैपायन, ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सब ने इंद्रिय संयम और शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है। इसके फल स्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्तऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देख तात्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि अन्न, घृत, दुग्धादि रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गौएं ले लें। ऋषियों ने कहा, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है, वह स्वाद में मधु के समान मधुर किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं भी जानते हुए तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाइयों के समान एक चक्री, कुम्हार या तेली, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्याग्रहों का संचालन करता है। वह शौंडिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है, अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्त्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को देना। यह कहकर वे सप्तऋषि वन में चले गए। तदनंतर राजा की आज्ञा से उनके मंत्रियों ने गुलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तऋषि अन्न के दाने बिनते हुए वहां पहुंचे, तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठा लिया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है, हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है, हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, अतः इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे गुलर के फल सुवर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वह बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता है, अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो गए हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक और अकिंचनता और दूसरी और राज्य को तराजू पर रख कर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए जीतात्मा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है,
इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह क्षयशील माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भरद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का कहीं और छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, अतः तृष्णा का परित्याग ही उचित है। गौतम बोले, इंद्रियों के लोभ ग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है, जिसके पैर जूते में हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से मढ़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती, प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगों की अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जमदग्नि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वह महर्षियों द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहता, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशु सख बोले, धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा भी आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़ अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अकस्मात आए हुए शुनह सख नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए, वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शुनह सख ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति खड़ग गदा चक्र तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है वह भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा खांसी क्षय जवर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती है। क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आँखों से कुछ सूझ नहीं पाता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है।
भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्यागतों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न तो कोई पदार्थ हुआ है न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इसलिए अन्नदान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूखे को अन्न देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्रचित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य पात्र सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तत्वारदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों का भली भांति दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता है। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ जहाँ निवास करता है, उसके लिए वही वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तमशील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, तथा जो सदा सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों में वन में भी दोष बन जाते हैं, तथा घर में रहकर भी यदि पांचों इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होता है, उस वितराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले का मोक्ष नहीं होता, तथा लोगों का मन बहलाने में ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता, इंद्रियों की आसक्ति को दूर हटाता, अध्यात्म तत्व के चिंतन में मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता और सुख से जागता है। वह संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है। उसके मन में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा संयम रहित चित्त कर डालता है। मांस भक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्य से लोगों को सदा भय रहता है, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है। वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है। वह सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्य का शासक है। उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव,
गुरु, शुश्रूषा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग, ये सभी दम के अधीन हैं। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, उसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है। उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। छहों अंगों सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। योग वेत्ता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का भाव अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वाले की स्वयं निंदा न करें, अपने मन को रोकें। जो उस समय अपने चित्त को वश में कर लेता है वह मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वह जंगल में जाकर क्या करेगा? अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीत कर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुढ़ उपदेश है। प्यारे, हमने धर्म का हृदय, सार, तत्व सब तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोग दूसरे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह है कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट यज्ञ आदि और पूर्त तालाब आदि खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है वह सब फूटे हुए घड़े के जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमाध्याय का पाठ करता है वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्याय को दूसरों को सुनाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहाँ से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैश्वदेव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है वही विद्वान है। जैसे धातुओं में सुवर्ण उत्तम है वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है। पुलस्त्य जी कहते हैं
इस प्रकार ऋषियों ने शुनासक के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालों को न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया? जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लकड़ी बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया हो उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे, और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है वहीं वह भी जाए। भारद्वाज बोले, जिसने मृणाल चुराए हों वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो मृणाल चुरा ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पराई निंदा करने वाले और पर स्त्री गामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री से संपर्क रखने के और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। शुनासक ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह न्याय पूर्वक वेदा अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने कहा, शुनासक तुमने जो शपथ की है वह तो द्विजाति मात्र को अभिष्ट ही है, अतः तुम्ही ने हम सबके मृणालों की चोरी की है। शुनासक बोले, ब्राह्मणों मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छुपा दिए थे, मुझे आप इंद्र समझें। मुनिवरों आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्ग लोक को चलें। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक कल्प भर वहाँ निवास करता है।